SBS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया में स्थित गांव फतेहपुर माफी पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान रुकैया बेगम है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2300 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 125 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर गांव में कराए गए विकास कार्यों की करें तो गांव की वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण भी करवाया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 40 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं व 50 और हैंडपंप की अभी भी सरकार से मांग है। विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण कराने की केंद्र सरकार व राज्य सरकार से जल्द मांग की है। मैं ग्राम प्रधान फतेहपुर माफी, ब्लॉक जोया, जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, थाना डिडोली निवासी फतेहपुर माफी। ठीक है, आगे जो है जो पैसा गांव में मिल गया है वो हमने गांव में काम करा, ठीक से काम करा, बढ़िया काम करा। स्कूल का काम भी चल गया है और गांव की आबादी के हिसाब से गांव को पैसा कम मिलता है, इसलिए गांव में पानी की निकासी, अस्पताल है वो भी टूटा फूटा है, जैसे कोई जो है एड नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं आता। आवास जो है गांव में काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके पास ठीक से आवास भी नहीं है, टूटे फूटे मकान हैं, जिसमें हमें आवास की भी बहुत गांव में ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब ये है कि पानी का निकास भी बढ़िया नहीं है, गंदगी हो जाती है, सरकार काम बढ़िया कर रही है लेकिन पैसे जो है वो प्रधानों के खातों में कमा रहे हैं, और ये पैसा और बढ़ाए तो गांव का विकास और बढ़िया से हो जाएगा।